हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द यंगिस्तान कैपिटल। आज हम एक नई वीडियो को लेकर के आप सभी के पास आ रहे हैं, जिसका टॉपिक है कि एनआईटी के बारे में दूसरे जमशेदपुर के लोगों का क्या व्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग आंसर हमें देखने को मिले। एनआईटी वर्ड सुन करके एक वर्ड क्या आता है दिमाग में? पढ़ाई से इज्जत। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। अच्छा कॉलेज, बहुत सारा पढ़ाई और अच्छा प्लेसमेंट। एनआईटी वर्ड सुन के आपके दिमाग में एक क्या वर्ड आता है? नहीं, वो तो मालूम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यही आता है कि मान लीजिए जहाँ का भी बच्चा है, जिस डिस्ट्रिक्ट का मैंने बच्चा है, वो मैंने यहाँ आया है पढ़ाई करने। हम लोग भी चाहेंगे कि मान लीजिए ईमानदारी से अपना पढ़ाई करे और मान लीजिए अपना आगे बढ़े। आप बताइए। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, मेरा भी वही व्यू कि एनआईटी मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट, लाइक आईआईटी, दिस इज आल्सो नेशनल एसेट। आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में भी यही आता है, अच्छा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है, हम लोग इसमें घुसते भी है तो लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा लगता है, क्या स्वर्ग वाला? अच्छा अच्छा, ये इसलिए लगता है कि ये सरकारी कॉलेज है और कहाँ कहाँ से बच्चे आके अपना लाइफ बनाते हैं। एनआईटी वर्ड सुन के एक वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है? एक्चुअली एक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आता है, तीन वर्ड्स आते हैं। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एनआईटी इज लाइक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक बार जो यहाँ पे आ गया तो उसका मतलब उसका लाइफ तो सेट हो गया है। सो NIT एक हम लोग NIT सुन के मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारे अंदर कि NIT एज अ ब्रांड, NIT एज अ कॉलेज और स्कूल, सो दैट गिव्स अ परसेप्शन दैट एवरी स्टूडेंट्स लाइक अबाउट NIT दैट इट्स द स्टडी वाज देयर, स्टडी इज बेटर, द टीचर्स, द फैकल्टी वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। NIT सुन के हम लोगों के दिमाग में ही आता है कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होती है, यहाँ का सब कुछ बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग, बाहर के लोग भी, हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं, हम लोग सब NIT स्टूडेंट को मानते हैं। NIT में क्या है कि एक मतलब दूसरे कॉलेज से एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ बच्चे को ग्रोथ करने के लिए, और NIT एजुकेशन हब है। हाँ। और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग सब बहुत बढ़िया से मिलजुल के रहते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। क्या लगता है कि, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपका जब NIT में एडमिशन हो गया तो आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा था? देवर सो एक्साइटेड, पर्टिकुलरली माई पेरेंट्स वर टू मच हैप्पी। काफ़ी खुश थे कि चलो घर में से किसी एक को अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल गया। सेम, खुश थे सब। खुश थे। फ्रेंड्स जेलस ऑफ मी। ओनली फ्रेंड्स जेलस है या रिलेटिव? नहीं, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा जेलस, फ्रेंड्स तो जेलस ही है। और साला चलता है मुझसे मजनू। जल तो अंदर से जल रहे हो तो पता नहीं, पर सामने सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा हुआ NIT में एडमिशन हो गया। सेम वही। सबसे ज्यादा पैकेज NIT में क्या आता है? जैसे IIT में तो सुनने में आता है 1 करोड़ का पैकेज लग रहा होता है, तो NIT में आपको क्या लगता है कितना है? नहीं, दोनों का बराबर है। अभी मेरा दोस्त यहाँ सिविल में दोनों है, एक NIT से किया है, एक IIT दिल्ली से किया है। अच्छा अच्छा। दोनों सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, दोनों बराबर पोस्ट पे हैं। थैंक्स थैंक्स। अराउंड आई थिंक 17 to 18 lakh rupees। 18 lakh rupees हाईएस्ट, आई थिंक 20 lakh rupees आ ईयर। नो कमेंट्स, कुछ नहीं मालूम मेरे को। जैसे जैसे बच्चे मान लीजिए अपना प्रोग्रेस करेंगे और मान लीजिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो भाई कोई भी कंपनी अपना मन लेगा तो 50 to 60 lakh के बीच। मैंने पेपर में जो पढ़ा तो 35-36 पर एवरेज हम नहीं सोचते हैं कि 20 से ज्यादा होगा। एक आध 50 छू जाए तो अलग बात है। हाईएस्ट पैकेज तो एक या दो स्टूडेंट्स को मिलता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो वो है ना, वो डेफिनेटली हाईएस्ट पैकेज 50-40 अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं यहाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है। नहीं, हाईएस्ट मतलब 45 के अप्रोक्स जाती है लाख पैकेज। क्या लगता है कि NIT में हाईएस्ट प्लेसमेंट्स कितना जाता है, मतलब पैकेज हाईएस्ट कितना जाता है? सर 55। 1 crore। अद्भुत।
ओके एंड एनआईटी में आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गर्ल्स का रेशियो कम होता है, आप लोग का क्या इत्तेफाक है? ऑब्वियसली ये तो मैंने पहले सुना था कि रेशियो कम है, बट यहाँ ये देखा ऑब्वियसली बहुत कम है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा 17% गर्ल्स रिजर्वेशन है, वो भी काम नहीं कर रहा। हाँ नहीं कर रहा ऑब्वियसली, पर दैट्स एडवांटेज फॉर वी पीपल। कम है, ज्यादा है या मीडियम? अब पहले कम था, अभी ज्यादा हो रहा है। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में लड़कियों का नंबर ज्यादा है? मैं तो मैकेनिकल से हूँ, मैकेनिकल में इतना लड़की नहीं होती, पता है। गर्ल्स का रेशियो कैसा है एनआईटी में? गर्ल्स का रेशियो में प्रॉब्लम क्या है कि अगर 20 लड़कियां हैं ना, तो आप 5 ही लड़कियों को बोल सकते हो जो लड़कियां हैं। बहुत खराब है। कितना है? 1:4.5। और आप लोगों को क्या लगता है कि एक एनआईटीयन का, या जो व्यक्ति एनआईटी से पास आउट हुआ है, उसका सोशल स्टेटस क्या रहता है? बहुत अच्छा है, हर एक जगह वैल्यू है इसका, बच्चा लोगों की मांग भी है। आपको क्या लगता है? और ये लोग पढ़ लिख के जहाँ भी जाते हैं अच्छे जॉब भी मिलता है, और हम लोग आते जाते देखते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। इज्जत है बहुत, सोशल वर्क में भी बहुत सारे एक्टिव हैं यहाँ के, जितने स्टूडेंट हैं इस बस्ती सब में जाके पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह देते हैं, इज्जत बहुत इज्जत। आप बताइए। हमारा भी वही कहना है कि यहाँ पर जैसे भी बस्ती वासियों को, जैसे गरीब लोग हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है, तो अगल बगल के बच्चे लोगों को इकट्ठा करके वो लोग अपना दिमाग में डालते हैं कि आगे बच्चा बढ़िया से बने। नॉर्मल इंजीनियर से क्या नहीं, मेरे ख्याल से है ना, जो भी एनआईटी से पास आउट होता है ना, तो उसके लिए एक अलग वैल्यू तो रहती ही है सोसाइटी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आईआईटी, एनआईटी और IIIT आजकल ये तीनों का जो स्टेटस है ना, वो नॉर्मली है ना, मतलब हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो भी इन्हीं कॉलेजेस में जाए। तो डेफिनेटली अगर आप एक बार एनआईटी से पास आउट हो जाते हैं, तो आपको एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो सबसे पहला जो है ना ख्याल लोगों के दिमाग में आता होगा ना एनआईटी के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, उसका मतलब है वो ब्रिलियंट है। तीसरा क्वेश्चन कि आप लोगों को क्या लगता है जो एनआईटी से पास आउट होता है कोई स्टूडेंट, उसका सोशल स्टेटस कैसा होता है? समाज में बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में बाकी इंजीनियरिंग की तुलना, उनका तो हर एक तरह से अच्छा ही रहता है बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, मैं उनको अच्छा ही मानता हूँ। कम कहा जाएगा, सही है, मतलब सोशल ये में अच्छा ही माना जाता है। अब आपको कंपैरिजन करना है DU, BIT और NIT में घटते हुए क्रम, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ बिल्कुल पर्सनल है। तो मुझे लगता है DU, NIT, BIT। आपका? डिपेंड करता है कोर्सेज पर, मतलब DU में अगर टेक्निकल कोर्सेज देखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो NIT फर्स्ट प्रेफरेंस आएगा, दूसरा BIT, थर्ड में तो DU आएगा। नॉन टीच मतलब टेक्निकल पोर्सन में तो DU को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद NIT, उसके बाद BIT का दिया जाएगा। DU तो ऑब्वियसली फर्स्ट, NIT will be second and the BIT will be third. Same. नहीं, हमको तो NIT है क्योंकि मेरे बगल में है। मतलब सबसे ऊपर मैं BIT बेहतर को रखूंगा, उसके बाद NIT जमशेदपुर को, और तब दिल्ली। जगह से जगह किस जगह का, अगर आप जमशेदपुर की बात कर रहे हैं तो मैं BIT से ऊपर रखूंगा। कौन से NIT को आप BIT से? देखिए ज्यादा नहीं है, साउथ के का जो NIT है उनका काफी अच्छा शुरू से ही रेपुटेशन रहा है। जब RIT नाम हुआ करता था या RDC रखा रहता था, तब से वो आगे है। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो केरला वाला हो या चेन्नई वाला हो, वो सबका आगे से पोजिशन काफी अच्छा रहा है। और हम बिना हिचक कहेंगे कि बहुत हम तो बगल में ही हमेशा रहे हैं, इस NIT का भी, जमशेदपुर का भी लगभग उनसे 10 थोड़ा नीचे ही रहा, लेकिन काफी ऊपर रहा, इसलिए मेरे कोई आइडिया नहीं। क्या लगता है कि ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे NIT में आप हैं, तो क्या यहाँ कपल बनाना टफ होता है, जैसे कि आपने बोला कंपटीशन बहुत आसान है? लड़की कैसे है यहाँ के, मतलब काफी एकदम पढ़ाकू है या फिर कुछ गुड लुकिंग भी है?
एनआईटी के, मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि एनआईटी के लड़के हैं तो फिर वो अच्छे ही होंगे और एजुकेटेड ऑब्वियसली, तभी लुक्स वाइज इन सम डिपार्टमेंट्स दे आर वेरी गुड. डिपेंड करता है किस चीज पे, प्रायोरिटी पे बहुत. मेरे को नहीं पता, मैं कपल मैं देखता हूँ, बहुत ज्यादा कपल्स देखता हूँ, लेकिन मैं बनानी. अच्छा, एनआईटी में आके कपल बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, बनना या बनाना? सर डिफिकल्ट तो नहीं होता है, दिख रहा है कितना सर. क्यों नहीं डिफिकल्ट होता है? दिख रहा है सर. आप बताइए कुछ. पता नहीं, नो एक्सपीरियंस. देखिए मेरे हिसाब से, मेरा मानना है ना कि डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सन होम यू अप्रोच. तो आप लोगों के 12th के मार्क्स क्या थे परसेंटेज? मेरा 73.66. मेरा 83. 91%. 89.8%. ओके. एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा. और जैसे कि देखें, हमें काफ़ी सपोर्टिंग लोग मिले इस वीडियो को शूट करने में. निश्चित टाइम से ज़्यादा लग गया इस वीडियो को शूट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा सही थे, तो इसलिए काफ़ी इसमें जो है हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, लेकिन थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स जिन्होंने हमें इस वीडियो को शूट करने में हेल्प किया. तब तक के लिए प्लीज़.